है जब हमारी बुरी हालत क्यों हुई है, हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन 10 गुना बढ़ी है। कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन क्या बढ़ी है हमारी, सीड बाहर से, पहले सीड हमारा अपना होता था, ऑर्गेनिक सीड होता था, हमारा अपना पानी का सिस्टम हमारा अपना होता था, लेकिन भूल जो है पानी को पूरा बचाना है वो करना, यानी सीड सीड का सिलेक्शन क्या है हमारा, सीड की वो वैरायटी क्या है जो कम पानी मांगती है वो होता था, और वो नहीं रहा। अब कहने का मतलब है कि हमारा जो इसका प्रोडक्शन की जो कॉस्ट थी वो हमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जो हमारे शुरू में कोई नहीं होता। घर का बीज होता था, घर का पानी होता था, और घर का ही फर्टिलाइजर होते, कंपोस्ट बनाते थे, वही अपना गोबर का खाद बनाना, वो हरी खाद ये लेना, ये देख लिख लिया अभी बेसक, गोबर का सबसे जरूरी है सॉइल के लिए कंपोस्ट। नंबर टू क्या है, हरी खाद। नंबर थ्री क्या है, उसके अंदर रोटेशन। वो फिर क्या है, फिर आती है एग्रीकल्चर एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस। अब क्या चीज है इकोनॉमिक प्रैक्टिस में, क्यों नहीं हम पैदावार को बढ़ाते, क्यों उसके अंदर इकोनॉमिक में, जैसे मैंने बताया कि भी अपना वही बीज का सिलेक्शन अच्छे कर दो, कम टाइम में हो। दूसरा हमारा जो बीज का सिलेक्शन, यानी सही टाइम पर उसकी बिजाए। नंबर दो क्या है कि हमारी जो है, जैसे रोड डायरेक्शन है लाइन की, ईस्ट वेस्ट है, वो डायरेक्शन हर क्रॉप के लिए, हर चीजें उसके लिए अलग अलग है। क्यों है, क्योंकि जिसे संबाई जो है पूरी पर, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, आपका सीड सिलेक्शन में पैसा नहीं लगता, आपका जो इसके साथ फर्टिलाइजर इसमें रोटेशन में पैसा नहीं लगता। तो ऐसी चीजें हैं हमारी जो कोई जिसका कॉस्ट नहीं है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की कॉस्ट नहीं है, जैसे डेट ऑफ सोइंग है, फर्टिलाइजर रोज है, या उसकी अपनी जो फर्टिलाइजर को अप्लाई करने के तरीके हैं, दो ये जगह सो मेनी प्रैक्टिस है जो उसमें पैसा नहीं लगता, सिर्फ टाइमली ऑपरेशन आपने करना है, टाइमली ऑपरेशन और टू दी रिक्विजिट इंफॉर्मेशन। तो ये काम किए जाए तो हम सारे के सारे ये जो है कॉस्ट को आधा ऐसे कर सकते। नंबर दो, आगे क्या चीज है, अब आपके इंडस्ट्री पॉइंट सर्विस से कहना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आज हमारी पॉपुलर के वो जो है, कुछ आदमी ऐसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम ले लेते हैं, ऐसे इनपुट देते हैं जिनका कोई भी, जैसे सामने अच्छे बताया कि भी हमें हाउ टू क्वांटिफाई दैट, कैसे करें, कैसे टेस्ट करें उसमें, वो टेस्ट करने के तरीके ना होने की वजह से अब आपने प्रोडक्शन का ले लिया, और लेकिन हमारे पास जो इनपुट है आज क्यों नहीं आ रहे, हमें क्वालिटी इनपुट नहीं मिल रहा, जो अपने पेस्ट को कंट्रोल करना है या उसको करना है, या वो जो इनपुट है वो नहीं मिला है। उस इनपुट को लेने के लिए अब जरूरी है, अब गवर्नमेंट से हम भी काफी हाई लेवल की मीटिंग में जाते हैं, इस बात को रखते हैं, उसका आगे बढ़ता क्यों नहीं है, ना बढ़ने का कारण यही है कि हमारे अंदर एक रिसर्च बैकअप नहीं है। जो रिसर्च बैकअप नहीं है तो वो हमारा काम वहीं का वहीं रह जाता है। तो रिसर्च बैकअप जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी ये चीजें, उनके भी अपने टारगेट हैं, वो कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा सबका, जैसे आप लोगों का ग्रुप है, हमारा सबका ग्रुप है, एक ग्रुप में एक हमारी भी कभी में कभी हमें जब भी जैसे एक मीटिंग करके किसी हाई पावर लेवल के आदमी एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन चीजों से हमें एक बेस से एक बेटर बेसिस ऐसा हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आईसीआर की जब तक रिसर्च विंग नहीं बनेगी ऑर्गेनिक की, उसके बगैर रिकॉग्निशन मिलना बहुत मुश्किल है। दैट इज द मेन, अभी तक आईसीआर ने इसको नहीं दिया, इसको देने के लिए उनके माइंड सेट, जैसे साहब ने कहा था, वो माइंड सेट चेंज करने के लिए जैसे बीजी के साथ मीटिंग की जाए, एक ग्रुप बने जाए, वो उसके ऐसे करने से कामयाबी मिल ही जाती है। साइलेंट बैठेंगे नोबडी गोइंग टू अगला पॉइंट पे है, रिसर्च पॉइंट से, जैसे मेरे अपने रिसर्च किए हुए एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, मॉडर्न मेरे रिसर्च पेपर है,
जो हमें मेरे इंस्टीट्यूट पर काफी है नॉन मैंडेटरी इनपुट, वो उसके ऊपर जो है हमारा ये जो खासतौर पर जो इनकम है आप इन्हें तरह सर जो मेरे अपने हैं आप 3 साल में आप ऑर्गेनिक कार्बन और वो जो सॉरी कंपोस्ट डालते चाहिए, ग्रीन मैनेजमेंट करते चाहिए, रोटेशन करते चाहिए, अब पॉइंट ये आ रहा है अब पॉइंट के साथ जैसे क्योंकि और प्लेनर हम भी उस पे बात हैं क्या है कि छोटी छोटी हमारे पास होल्डिंग अब हमने उसको शिफ्ट करने के लिए इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक शिफ्ट करने के लिए अब जो बिल्कुल छोटा है कम से कम कैपिटल होना अब कैपिटल भी कम होता जा रहा है प्रॉब्लम तो कैटल होना एक हेक्टेयर के लिए मेरे को कम से कम 2 गाय की जरूरत है 2 गाय हैं अगर मैं उसके बाद करूं अब ट्रैक्टर जैसे मैं अब खुद कर भी कर रहा हूं पहले तो लोगों को बताते ही थे लेकिन अब तो मैं खुद कर रहा हूं लेकिन जब खुद करता है तो कई डिफिकल्टी आते ये कहना बड़ा आसान है ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे लेकिन अब क्या मैं एक एग्जांपल देता हूँ मेरी इलेक्ट्रिक मोटर खराब हो गई मैं इसको ठीक कराने के लिए कब तक खराब होता है वो जो टाइम है पानी लगाने का सही टाइम है वही मेरा मिस हो जाता है और मेरी प्रोडक्शन 1/3 में से होता है मैं वो कह रहे हैं कि इनकम अब बता रहे हैं गवर्नमेंट के सामने हम अब आई एफ टू प्राइम मिनिस्टर साइंस की ये छोटी छोटी इंफ्रास्ट्रक्चर दो लोन मत माफ करो लोन माफ करना तो बहुत बड़ी एक तरह के हम बोली है लेकिन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग आपकी वहां गांव गांव में मैंने एक माइक्रो लेवल प्लानिंग का स्टार्ट किया माइक्रो लेवल प्लानिंग जब तक आपकी गांव की एक माइक्रो लेवल प्लानिंग नहीं होगी माइक्रो लेवल प्लानिंग और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो अब टू द कलेक्टर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि माइक्रो लेवल प्लानिंग में क्या जैसे सबका सेंसर या मेरे क्वेश्चन रिसर्च वाले भाई आपकी जो टेक्नोलॉजी है यहाँ लगा मेरे वेस्ट लाइन सर्वे करो मेरी ये प्रोडक्शन थी ये प्रोडक्ट थी ये नेचुरल रिसोर्सिस है उसके बाद एक मॉड्यूल तैयार हो कि भी साइंटिस्ट भी उसमें काम करें समाज के इंडस्ट्री भी काम करे लेकिन वेलफेयर सोशल वेलफेयर भी काम करे सभी काम करे काम करते उनका लीडर एक है जो उस गाँव के वो नहीं है किसी गवर्नमेंट के आदमी का एग्रीकल्चर का ज्यादा काम है एग्रीकल्चर का भी ऐसे चेयरमैन हो सेक्रेटरी हो दूसरे ऐसे यूनिट पर ऐसे माइक्रो लेवल काम करने के बाद तभी ही हम उसका उद्धार कर सकते हैं देश में जब ही हमारी प्रोडक्शन बढ़ सकती है अब गांव में अब मोदी साहब ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया मेरा गाँव सब चालू है लेकिन लोग फॉर्मेलिटी के लिए ज्यादा जाते हैं लेकिन वो जो है जब तक आपकी सर्वे ना हो अकाउंटेबिलिटी ना हो क्योंकि आपने इस गांव में कॉटन की प्रोडक्शन 5-6 क्विंटल की थी आज मेरा टारगेट 8 क्विंटल का है हाउ टू अचीव दैट शुड बी द टारगेट अब मेरी प्रोडक्शन मेरी इनकम इस फार्मर की गांव वालों की 10,000 है मैंने इसको 15,000 कैसे बनाया मैंने तो ये चीजें हैं अकाउंटेबिलिटी और टारगेट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते अब कहने के लिए कोई कुछ ही कहता रहे अब मेरे घर में बहुत बड़े बड़े कहते भी रहते हैं लेकिन मेरा अपना व्यू है माइक्रो लेवल प्लानिंग गांव की हो डिस्ट्रिक्ट की हो स्टेट की हो इसके ऊपर और हर आदमी का अकाउंट है इवन कोई आज हमारे दुर्भाग्य है बात करें IAS IPS के अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती अब डिफेंस में है मेरा लड़का ब्रिगेडियर है अब डिफेंस में है लेकिन उसमें क्या आता है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करे तो फाइल IAS सेक्रेटरी उसके पास ही पड़ी रही उन्हें कहना भी तो कम वहाँ सड़क बनानी है और चाइना बॉर्डर पे फाइल पड़ी देखिए ये चीजें अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स हो क्योंकि ये काम गलत हुआ था क्यों नहीं इसमें कर दिया अब डॉक्टर साहब डायरेक्टर ने फाइल भेजते देते दिल्ली मिनिस्ट्री में पड़ी रही है सेक्रेटरी के पास तो नहीं आगे हो तो ये चीजें हैं जो तब तक ये नहीं जाएंगी अब तक नंबर अब आपकी एसोसिएशन के बाद में मेरा आप लोग जो करे काम मैं पहले भी उसमें लेडीज के साथ तो मेरे को पहली दफे इंट्रैक्शन इतना स्कोप है काम करने का जिसका कोई है और एक स्मॉल स्केल से लेकर भी बड़ी बड़ी स्केल पे इंडस्ट्री व्यक्ति जा सकती
ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में इतना स्कोप है आज के दिन कि आपकी हेल्थ, अब हम डॉक्टर को लाखों रुपए दे देते हैं लेकिन आज ऑर्गेनिक के प्रोड्यूस खाएंगे तो कितना होगा, और उससे हमारी हेल्थ अच्छी बनेगी। हमारी सोयल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी भी हेल्थ अच्छी। सोयल हेल्थ कैसे अच्छी होगी? ऑर्गेनिक कार्बन से हो। ऑर्गेनिक कार्बन में क्या डालें? हमारे सब ये जो है कंपोस्ट है, रोटेशन है, ये सब चीजें डालेंगी तो वो आगे ऊपर आए। तो ये चीजें हैं करने के लिए, बहुत कुछ है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन आपके टाइम की कमी होने की वजह से, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने हमको सुना। थैंक यू डॉक्टर जैन सर, आपने बहुत अच्छी मतलब एकदम गुण मंत्र की चीजें बताई है। ऐसा कि मतलब कह दिया कि आपकी इनकम कैसे डबल हो सकती, तो सब सोच रहे थे कि सब कोई मंत्र देने वाले हैं, लेकिन वो सिंपल मतलब डेली सभी जानते हैं वही सब चीजें थी कि अगर आप चीजों को सिस्टमेटिकली करेंगे, प्रॉपर टाइमली सब चीजें जो जिसमें होती है उसको करेंगे, और मेन चीज है कि अपनी हेल्थ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो पैसा हेल्थ, मुझे ऐसा लगता है कि जो पैसा आपका हेल्थ और उधर जा रहा है जब वो बचेगा तो ऑलरेडी आपको ऐसा लगेगा आपकी इनकम डबल हो गई है, क्योंकि वो आपका जो हॉस्पिटल में जाता है वो ना जा करके आप अपना हेल्थ पे भी ध्यान दें। लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी तो गवर्नमेंट से भी रिलेटेड रहती है, हम करना चाहें तो कर भी सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं गवर्नमेंट की। जैसे आपने भी बताया कि हाइब्रिड बीज आ गए, वो इससे महंगे रहते हैं कि किसान उनके पीछे जाते हैं, और हमें अगर मौका मिला तो हम चाहेंगे कि किसानों को हम बोले कि आप अपने बीजों को अच्छे से बो करके और उनको प्रॉपर ध्यान दे के करो तो आपको शायद ये जो परेशानियां आती है वो नहीं होंगी और आपकी हालत ठीक होगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि सर अगर हम ये कैंपेन उठा सके तो जरूर उठाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कि आपके हम उसको मॉडल गवर्नमेंट को दिखाएंगे भी हम ऐसा कर सकते, एक मॉडल विलेज अडोप्ट कर लिया जाए, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सब आपको करके दूंगा। तो सर मैं तो बस यही कंप्लेन चला सकती हूँ कि किसानों को खुद मत करो लोन माफ करके, मैं सरकार को ये चीज बोल सकती हूँ कि किसानों को खुश मत करो लोन माफ करके, उनकी और देश की उन्नति करो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करके। सर मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मेरी मतलब एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है अभी कृष्णा राज जी, अगर आपको कुछ लगता है कि मतलब यहाँ एग्रीकल्चर के लिए या कुछ डेयरी फार्मर कर सकते हैं तो मैं वो आप लोगों को करवा सकती हूँ। मतलब बात अगर कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है जो आपको लगता है कि नहीं, 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 अभी जो आप बोल रहे थे ना फाइल नहीं पास होती। नहीं नहीं देखो मैं आपको बुरा मत मानू, नहीं नहीं सर देखिए मिनिस्टर जो है IAS के बगैर कहीं नहीं, देश का दुर्भाग्य ये है कि वो जो IAS बोलता है वही करता है, बेसिक आपके मुंह पे कुछ बोल दो आखिर में वही होगा जो वो कहेगा। अच्छा इवन मोदी भी उनसे था आपको सही। चलिए अब हम हमारे कार्यक्रम के लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है बाहर फॉरेन में किन चीजों के लिए जाना जाता है, एक तो IT इंजीनियर्स के लिए कि यहाँ के बच्चे बहुत ब्रिलियंट है, पूरा सिलिकॉन वैली IT इंजीनियर्स से भरा हुआ है, और बहुत सारी चीजें और भी है, लेकिन आपको पता है क्या वहाँ एक चीज के लिए और फेमस है भारत? बचत, सेविंग। वो बोलते हैं कि अगर उनको पूछो हुआ इंडियंस, तो बोलते हैं कि इंडियंस वो जो शैम्पू की बॉटल भी खाली हो जाएगा तो उस पर पानी डाल के ला के एक बार फिर शैम्पू निकालेंगे। तो मतलब बचत के लिए, सेविंग के लिए भी इंडिया बहुत ज्यादा बाहर के देशों में जाना जाता है। अभी तक तो हम बहुत सारी बचत करते थे, टूथपेस्ट सुना है कि ब्रश खराब हो जाता है तो फिर उसको वो नारा डालने के काम में लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें। एक चीज बची रह गई थी कि किचन का वेस्ट अभी तक हम लोग नहीं यूज कर पा रहे थे कि कैसे किचन का जो वेस्ट है उसको हम, तो वो भी क्यों अछूता रह गया। अब जो किचन में खाना बन जाता है उसका जो वेस्ट बनता है बचता है उससे जो हम उससे क्या यूज ले सकते हैं, डिकम्पोज कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आज के हमारे जो लास्ट स्पीकर है डॉक्टर ये सर डॉक्टर ए सर
So before that, I would like to invite our deputy member Inna Khetkar to introduce Dr. A. Rajput sir before us. And thank you. एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट महंगे क्यों हैं? वो भी एक रीजन है जो ये फील्ड बढ़ नहीं पा रही. मैं अभी आपको बताता हूँ. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर अजय सिंह राजपूत, हु इज करंटली प्लेस एज रीजनल डायरेक्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग Golkeri Amravati Road. And prior to that, he was Deputy Commissioner in Government of India Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, New Delhi. Before that, he had worked as a Junior Scientific Officer in under National Center of Organic Farming, NCOF, Ministry of Agriculture, DSC, Government of India. And if I keep on reading, it will take another 1 hour, I feel, that it is more than 8 pages of biodata he is carrying along with us, and it's very pleasure for all of us to have such a big personality in between us who would be guiding us how to use the kitchen waste in a productive manner. So I would request Dr. Singh to please address. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. सबसे पहले तो मैं ये कि नागपुर की पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ और इस जगह पर जहाँ आज हमारे मेरे कैरियर को सेफ देने वाले जो हमारे गुरु हैं, गुरुवर हैं, तीनों मेरे गुरु हैं, डॉक्टर एल एन वर्मा इमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ Organic Farming and Microbiology, and Dr. P. Bhattacharya, you have already heard him. Wonderful personality. क्या memory है आपने देखा होगा? It's wonderful. एक बार सबकी नींद भगाने के लिए मैं चाहूँगा मैं clapping कर दूँ. और आपने Dr. Kero को देखा. He was the former director of SKCR. इसके बाद कुछ खेती कर रहे हैं इस उम्र में. और जब भी मेरे से बात करते हैं तो मुझे बोलते हैं कि यार मुझे ट्राइकोडर्मा पेनू डालना है. जब भी बात होती है तो वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं. तो ये ऐसे पर्सनालिटीज हैं. और दूसरी खास बात यह है कि हमारे गुरुजी के साथ माता जी आई, वो भी आप टीचिंग में थी और बहुत अच्छा जबलपुर में इन्होंने बहुत बच्चों को मंजिल पर पहुँचाया. बड़ी खुशी की बात है. पहले वो यहाँ आना नहीं चाह रहे थे जब मैंने उनको बताया कि बी आई ए की ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो आप लोगों के नाम जब मैंने बताया, खास तौर पर सचिव मलिक मैडम है, नंदन शर्मा है, डी टी मैडम जी और लॉन्ग पर्सनैलिटी एंड मैनी मोर. इसके अलावा सुधा ताई भी बैठी हुई है यहाँ. और हमारे डॉक्टर पड़ोले कहाँ गए? अच्छा, वो चले गए. और भी बहुत सारी जानवी पर्सनैलिटीज हैं. आपसे भी परसों मुलाकात हुई मेरी. ये हमारे अनिल बाब टाइगर अभी जिंदा है. तो बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है. ये भी सब जैविक खेती में काम कर रहे हैं. तो मुझे बहुत सौभाग्य मिला और मैं अपने गुरुओं के सामने कुछ बोलने में, आपको पता है, इन फ्रंट ऑफ टीचर बहुत मुश्किल होता है. तो तीन तीन गुरु है हमारे, त्रिमूर्ति हैं. तो मैं उनको नमन करते हुए ओके प्लीज ओके. तो इनके सामने बोलना मुश्किल है लेकिन मैं परमिशन लेके और उनसे आशीर्वाद लेके अपनी बात शुरू करूंगा. कि आपको याद है देसी स्वाद, देसी बीज से देसी खाद. अब खाने में डर लगता है, हर चीज में जहर लगता है. सोचो क्या खाएं ना खाएं. रसायनों से और पेस्टिसाइडों से जान बचाएं. जैविक ही बोएं, जैविक ही खाएं और जीवन को स्वस्थ एवं सुखमय बनाएं. और आप सबको इस कार्यक्रम में पधारने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं. हमारे गुरुवर जो हैं इनके लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है. आई हैव नो वर्ड्स फॉर डॉक्टर वर्मा. जब मैं एक्चुअली आई वॉज दी प्योर माइक्रोबायोलॉजी पर्सन, मेरे को एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में लाने का श्रेय उनको जाता है.
डायरेक्टर उस समय मैं एमएससी करके जैसे निकला तो आई वॉज वर्किंग इन ICMR एट वॉज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेरा बड़ा नजदीक है स्तर रहा फिर वहाँ डॉक्टर भट्टाचार्य साहब से मुलाकात हुई तो इन्होंने ये वो पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने मुझे सेफ दिया और मुझे इम्फाल भी भेजा था आई स्टिल रिमेम्बर आपको याद है मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि दोज हु हैव नॉट सीन द नाथी इज नॉट बोर्न बोला था ना तो यहाँ के कुछ लोगों ने कहा सर कि नाउ वी वांट टू बोर्न तो दे हैव विजिटेड सिक्किम इसलिए कहा था कर्मण्यवादिका रस्ते वहाँ फलिशु का राज्य yes, yes. मैंने आपको कहा था कर्मण्यवादिका रस्ते इन फलिशु का राज्य लेकिन मैं इतनी डॉक्टर भट्टाचार्य के पास शुक्रगुजार हूँ कि अगर आज वहाँ नहीं मुझे भेजते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता आज मैं जो डिप्टी कमिश्नर में भी गया हूँ उसमें बिफोर इंटरव्यू मैंने उन गुरुओं से सराय ली थी कि हाउ टू टॉक हाउ टू फेस द UPSC तो उसमें डॉक्टर वर्मा साहब का डॉक्टर कैरो साहब का डॉक्टर भट्टाचार्य साहब का मैं सबका ये आप लोगों को एक मंत्र दे रहा हूँ यू वॉन्ट टू सेलेक्ट इन सच्चाई बात UPSC से बड़ा कोई एग्जाम नहीं होता उसी से सब IAS IPS भी बनते हैं और उसी से हम लोग भी जो सेंट्रल कैडर के जो ग्रुप वन के ग्रुप ए के लोग होते हैं वो आते तो इनके गाइडेंस की वजह से मैं आज वहाँ पहुँचा और मैं हमारे जो कलीग हैं डॉक्टर रुचि वगैरह ये सब लोग अभी आए हैं डॉक्टर सरिता तो इनको ये बोलता हूँ कि आज तुमको जो ज्ञान मिलने वाला है शायद इसको किस्मत से ही लोगों को मिलता है तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया कि सर कोई रजिस्ट्रेशन है फीस क्या तो मैंने कहा कि नहीं आप सचिव मैडम से मिलना इसकी कोई फीस नहीं है आप अटेंड कीजिए नॉलेज का नॉलेज इज सुप्रीम तो बहुत कुछ सारे लोगों से मैंने सीखा और आज पहली बार एक छोटा सा मौका मिला कि उनके लिए मैं कुछ सम्मान करने के लिए कोशिश की हमने उसमें बहुत सारी गलतियां भी हुई होंगी मुझे उम्मीद है कि सर लोग क्षमा करेंगे और अभी क्योंकि मैडम लोगों का इंटरेस्ट था वो बेस्ट डिकम्पोजर और कुछ माइक्रोब्स के बारे में कुछ हाँ तो उसके लिए मैं छोटा सा एक बहुत कम टाइम लूंगा मैं और मैं बताना चाहूंगा आपके प्रश्न का भी आंसर मुझे देना है कि क्यों आर्गेनिक इनको आर्गेनिक प्रोड्यूस जो है वो काफी होते हैं बल्कि होना नहीं चाहिए क्योंकि जैसा सर कह रहे थे कि आपकी खुद की खाद आपकी खुद की जो है सीड है फुल कॉस्ट लो होना चाहिए और मैं भी इस बात को मानता हूँ मैं डॉक्टर ये जेके पाड़िया से बात कर रहा था कि बहुत सारी जो अभी जो बहुत सारी जो मार्केट में इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन से जो मार्केटिंग वो देख रहे हैं फेव इंडिया लगवाइज और जो बिग मार्केट सब जो सेल करते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि इतनी 5-6 टाइम्स जो है जो चीज़ 100 रुपये की है उसको 500-800 बेचते हैं और जबकि वो कम होना चाहिए आप 100 का 120 दीजिए डाइजेस्ट होता है ये नहीं होना चाहिए लेकिन माई पॉइंट इज दैट बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं आप कुछ ऐसे एरिया से जहाँ जाइए अगर आप अच्छी चीज़ को अगर कम पैसे में दोगे तो विश्वास नहीं होता इसी बात का फायदा ये लोग उठा रहे हैं जो सर ने बताया कि इस तरह के जो लोग आ रहे हैं वो केमिकल फार्मिंग वाले हैं और वो इसको हार्वेस्ट करना चाहते हैं सेम उसी तरह से मैं बोलूँ जो सर्टिफिकेशन की बात सर कर रहे थे फॉरेन कंट्रीज पीपल वांट टू सर्टिफाई अवर लैंड और टू गेट दी एक्सपोर्ट तो हमारी जमीन को वो वहां से एक्सट्रैक्ट आउट करना चाहते हैं और हम अच्छी चीजें हमारे हम अपने लोग नहीं रखते उनके लिए एक्सपोर्ट करके भेजते बहुत अच्छी वैरायटी की मैंगोज हैं बहुत अच्छी वैरायटी के हमारे यहाँ के नागपुर के जो ग्रेप्स हैं ये सब वो कहाँ जाते हैं हम लोग हम नहीं खाते हम एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको अपनी स्वास्थ्य के प्रति चिंता नहीं होनी चाहिए क्या क्या हमारा किसान अच्छा नहीं खा सकता क्या बहुत अच्छी बात आई है तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इस पर अभी रेगुलेशन शुरू हो रहा है अभी कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री में क्योंकि मुझे भी 1.5-2 साल अभी वहाँ मिनिस्ट्री में रहने का मौका मिला था तो अभी इस पर बात आ रही है अभी ये बहुत अच्छी बात रेज हुई है मैं चाहूंगा कि VIA की जो चेयरपर्सन है आपने ओर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूर एक लेटर ड्रॉप कीजिए कि ये जो सब्सिडी है 70,000 करोड़ की उसको कुछ डाइवर्ट करें आर्मी की ओर नहीं तो आपकी प्लेट में कभी जहर आना बंद नहीं होगा 70,000 करोड़ की जो सर ने बताई जब तक आप देते रहोगे तो जहर आता रहेगा और एक बहुत अच्छा प्रयास है अभी मैं छोटा सा जो आपका विशेष वो था तो मैं उस पर छोटा सा हाईलाइट करता हूँ ये हमारा सेंटर जो है रीजनल सेंटर पब्लिक फार्मिंग बहुत सारे लोगों को पता नहीं लेकिन हर 5 मिनट में सर आजकल मेरे पास कम से कम 5-6 फोन आते हैं अभी सर के सामने भी देखा होगा बिकॉज ऑफ दी बेस्ट डिकम्पोजर क्या है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और कैसे इसको यूज करना चाहिए इवन यू कैन डिकम्पोज योर किचन वेस्ट आल्सो और बहुत अच्छी एक इम्पैक्ट है कि हमारे ऑफिस का एक लोकेशन बता रहा हूँ अमरावती रोड पे घोंडखेड़ी नागपुर के बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग तो कई प्रोग्राम से आए हैं लेकिन लोकेशन की प्रॉब्लम होती है इसलिए स्लाइड लगा दी है तो आप देख सकते हैं गूगल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारा सो यू कैन सी
अब जब माइक्रोब्स की बात आती है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा पूरा जीवन माइक्रोब से बनकर चला। अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे तो आपकी लाइफ नहीं हो सकती। तो आप देखिए ट्रिलियन सा 200 ट्रिलियन बैक्टीरिया 60 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स ये होती हैं, कॉम्बो ऑफ ह्यूमन्स एंड माइक्रोट्रेट माइक्रोबायोटा माइक्रोब्स दैट इज इनसाइड एंड ह्यूमन बॉडी पूरी। अगर आप स्टडी करें तो स्किन में हमारे हेयर में क्या क्या है आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देन बैक्टीरियल सिम्बायोसिस दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन। अभी जो एक नया ट्रेंड आ रहा है आपकी डिजीज को हम कैसे क्योर करें आपको बहुत सारे उदाहरण पता है। आपको मालूम होगा कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देता है और बिना माइक्रोब्स के हमारा ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। आपको मोरारजी फीसेस को भी लेके बहुत सारा कुछ है तो कैसे ट्रीटमेंट करना है इसमें मैं बताऊंगा। और एसोसिएशन ऑफ दी माइक्रोब्स इस पे बहुत सारा हमारा रोल है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ टू हील एक बहुत ही बड़ा ट्रैक है ये। अच्छा इसमें ये हुआ है कि हम भूल गए। आजकल हम मार्केटिंग का नया युग आ गया ना तो आपने नाम सुना होगा बहुत सारी चीजें जो मार्केट में आई युवा आप खा रहे हैं क्या है। और जो सर ने कहा था कि वो दही खाना चाहिए उसमें क्या है लैक्टोबैसिलस उसको हम भूल रहे हैं। और आप जाइए कभी गुजरात मैंने देखा जब भी गुजरात जाएंगे तो पानी बाद में आता है लस्सी पहले आती है मठा छाछ पहले आता है। हमारे यहाँ लोग तेल ज्यादा खाते हैं महाराष्ट्र में मिर्ची तेल ये काम करना चाहिए। और ये चीजों पे हमें जाना इसमें सब में माइक्रोब का क्या रोल है छोटा सा मैं हाईलाइट करता हूँ जब वेस्ट डिकम्पोज़ पर जाऊंगा मैं। तो ये आपको द इंटेस्टाइनल हैबिटेट 300 टू 500 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ओनली अ फ्यू स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू पेरिस्टाल्सिस एंड माइग्रेटिंग ऑफ द मोटर कॉम्प्लेक्स। इस पे आपको मैं छोटा सा ये बताना चाहूंगा कि कितने जो पॉपुलेशन होती है जिसको हम डायवर्स काउंट कहते हैं आप देखेंगे स्टोमक में 10^1 to 10^3 CFU यानी कॉलोनी फॉर्मिंग पर यूनिट पर ml होता है। इसी तरह ड्यूडेनम में होता है 10^1 to 10^3 CFU पर ml। फिर जेजुनम जिसको ईलियम बोलते हैं इसमें 10^4 to 10^7 और कोलन में सबसे ज्यादा ये माइक्रोब्स होते हैं। हमारी एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा नए ट्रैक को ले जा रहा हूँ। कुछ लोग नींद से आ रही थी मैंने नया ट्रैक चेंज करना पड़ेगा तो आपकी बॉडी में क्या चल रहा है उसको मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। सो नॉर्मल माइक्रोब केवल आपका यूटरस जो होता है वो विदाउट माइक्रोब होता है मैंने दिस इज दी जर्म फ्री इन यूटरस। इसलिए बच्चे को जो पोषण रहता है और जब बच्चा निकलता है ना तो सबसे पहले उसकी मुलाकात किससे होती है इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल माइक्रोब्स दे फर्स्ट मीटिंग विद द चाइल्ड बिफोर बोर्न। सो माइक्रोऑर्गेनिज्म बिगेन कॉलोनाइजेशन इन ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी सून आफ्टर बर्थ। सो दिस इज व्हाट इज माय लॉट ऑफ एक्टिविटीज लाइक कमेंसलिज्म म्यूटलिज्म पैरासिटिज्म ये छोटी सी बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बीइंग ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट छोटी सी बातें हैं जो आपको जीवन में बताएंगे कि बिना सिम्बायोसिस के जो मेरा पीएचडी का टॉपिक भी सर ने रखा था वो एजोला एनाबीना पर था जो हमने हमारी थीसिस में रिपोर्ट किया था फर्स्ट टाइम इन द बायोलॉजिकल साइंस दैट वाज द एसोसिएशन ऑफ द एजोला एनाबीना विद द राइजर्स ऑफ द विद वेसिकुलर एंडोस्कोपिक माइक्रोराइजर वेंट्रिकुलर मड में जब ये जो अजोला हमारे जो तालाबों में होता है जब ये उसमें संपर्क में आता है मिट्टी के उसको लिट्रल मड कहते हैं। आई एम रिमेंबरिंग सर डॉक्टर जैन दुबे आल्सो इन दिस ओकेशन वो भी सर ने हमारे साथ एक डॉक्टर जैन दुबे साहब हुआ करते थे वन ऑफ द रिनाउंड साइंटिस्ट बायोफर्टिलाइजर में उन्होंने कोल को सबसे पहले उनको उन्होंने इन्वेंट उसको लेके आए थे। इट इज इन द हिस्ट्री ऑफ द बायोफर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी और डॉक्टर भट्टाचार्य सर और डॉक्टर वर्मा सर भी उनके ही स्टूडेंट्स हैं और मैं फॉर्चुनेटली इन्हीं सर लोगों के साथ मैंने काम किया। तो ये सब चीज़ें जो माइक्रो ऑर्गन का रोल है सो वी हैव द रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट इज ट्राइपार्टाइट सिम्बायोसिस। आपने सिम्बायोसिस का नाम सुना क्या होता है सिम्बायोसिस फॉर एग्जाम्पल अभी आपके यहाँ पर वो उन्होंने इनॉग्रेट हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं बायोलॉजिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सिम्बायोसिस मतलब जब आपके यहाँ कोई किराएदार रहता है तो वो आपको किराया देता है आप उसको रहने की जगह ये सिम्बायोसिस कोऑर्डिनेशन। तो बॉडी का हमारा भी और माइक्रोब का बहुत ही वंडरफुल कोऑर्डिनेशन है। अगर माइक्रोब्स नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते तो दिस इज द रोल। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो
तो उसमें हमने ट्रायल बायोटाइज यानी तीन माइक्रोबियोलॉजिकल क्रॉप जो बायोफर्टिलाइजर में है, सर ने बहुत अच्छी बात याद दिला दी। और अभी भी आजकल जो है मैं जो बायोफर्टिलाइजर इंडस्ट्री से जुड़े हैं जैसे कपाड़िया साहब है, तो मैं आपको बताऊं कि जो भी लेगुमिनस क्रॉप है, राइजोबियम जो हम जिसके लिए बायोफर्टिलाइजर जिसको मेन मानते हैं, सर ने बहुत काफी काम किया इस फील्ड में, तो उसके नूडल्स को निकाल के आप उसकी सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए। मार्केट से भी खरीदने की जरूरत नहीं, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आप दिया, एक एमएल में 10 करोड़ 20 करोड़ होते हैं, तो आपको उसको क्या करना है, उसको क्रैक करना है नूडल्स को, और उसको थोड़ा सा स्टिकी करने के लिए हम अभी इसमें जगी डालते हैं, तो जगी डाल दीजिए, उसके बाद में उसका सॉइल ट्रीटमेंट कर दीजिए एंड यू कैन शो इट थोड़ा जब सूखने के बाद आधा घंटे बाद। इसके लिए यूट्यूब में भी हम लोगों ने काफी कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स डाले हुए हैं जैसे कि बेस्ट डिकम्पोजर और ये, तो ये दो तीन चीजें आपको बता रहा हूं मैं। कमेंसलिज्म इज वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एंड द अदर इज अनअफेक्टेड, दैट इज कमेंसलिज्म। इसी तरह से म्यूचुअलिज्म बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, सिमिलरली पैरासिटिज्म वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द अदर एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर, है ना। तो ये छोटी सी बातें हैं जो रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल माइक्रोबायोटा एंड होस्ट में क्या होता है, इस पर थोड़ा बताया आपको। जैसे नॉर्मल माइक्रोबायोटा एंड दी होस्ट एग्जिस्टिंग सिम्बायोसिस माइक्रोबैक्टीरिया जैसे हमारे ईयर में होता है कान में, ठीक इसी तरह से इकोलाई जो होता है वो विटामिन के को सिंथेसाइज कर सकता है, वही करता है, ठीक है। जैसे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया का भी बहुत रोल है, इनको रिप्लेस करते हैं जो हम टेस्ट जो हम ट्रीटमेंट जो हमारा होता है। आपने देखा होगा कि मुरारजी देसाई खुद का यूरिन लेते थे, मालूम है ना आपको क्यों लेते थे, वो उस यूरिन में जो माइक्रोब्स होते थे उसकी उनको जरूरत थी रिसाइकिल होने, ताकि वो कंट्रोल अपनी बॉडी का कर सके। तो ये बहुत बड़ा रोल है, आजकल नया ट्रीटमेंट का सिस्टम आ गया। छोटा सा मैं बताना चाहूंगा आपको, ह्यूमन बॉडी इज डिफिकल्ट टू बिल्ड बाय 10 ट्रिलियन सेल्स, 100 ट्रिलियन नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दैट रेसिड्यूज ऑन आवर ह्यूमन बॉडी। मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, ये मैं थोड़ा सा इस पर एक्चुअली पूरा एक हाफ डे लग सकता है, लेकिन मैं साथ में कर रहा हूँ क्योंकि इसमें समय नहीं है। आप ह्यूमन गट की बात करेंगे तो आप जब देखेंगे तो इसका माइक्रोफ्लोरा आप जब देखेंगे तो यू विल बी हैप्पी। इससे मैं पूरा कभी फ्यूचर में अनदर प्रोग्राम करेंगे, टाइम की वजह से। जो है जीआईटी एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम इज गट फ्लोरा, मोर देन 100 बैक्टीरियल स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द फीसेस ऑफ द सिंगल पर्सन, जो हमारा स्टूल होता है उसमें बहुत बैक्टीरिया और बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, अगर आप उसको करेंगे स्टडी करेंगे तो यू विल फाइंड आउट। देन एनारोबिक बैक्टीरिया प्रीडोमिनेंट, pyrenial bacteria can modulate expression of the genes in host epithelial cells thus create favorable habitats for themselves and prevent growth of the other bacteria। मतलब जो दूसरा जो नॉन पैथोजेनिक को रोकने का काम ये करते हैं, दो तरह के होते हैं पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। आपकी बॉडी में अनबैलेंस करने के लिए अगर नॉन पैथोजेनिक हो गए तो आप बीमार हो जाएंगे, तो रिप्लेस करने के लिए आजकल आपने प्रोबायोटिक्स का नाम सुना है, प्रीबायोटिक्स क्या है, इस तरह से हमको ये डॉक्टर्स लोग बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट करके इनको दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। इसलिए जो मिट्टी का स्नान था पुराना और बहुत सारी चीजें उसमें क्या है, माइक्रोब्स होते हैं, द सॉइल इज दी वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया ऑफ द वर्ल्ड, इतने सारे माइक्रोब्स उसमें होते हैं, उन सबसे जो लोग यूज कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है मिट्टी के, सर ने बताया अभी मिट्टी के उससे जो मंजन करते हैं उनके दांत कभी खराब नहीं होते। मिट्टी को थोड़ा स्लाइस करिए, उसके बाद उसको थोड़ा उसमें पेपरमिन वगैरह डाल के, बहुत सारे मैंने 92-95 ईयर्स लोग देखे जिनका एक दांत भी नहीं टूटा बिकॉज ऑफ द सॉइल, सॉइल का इतना महत्व है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था, इसलिए अब लौट चले जैविक खेती की ओर, प्रकृति की ओर। तो ईच डीड इज लाइक ए सीड एंड चूज देम वाइजली एंड ईच विल ग्रो ईदर कॉर्न और फ्लावर और फ्रूट्स, इट्स अप टू यू। जहर डालोगे तो जहर मिलेगा, जैसा खाओगे वैसा होगा, मैं जैसा पियोगे पानी वैसे होगी पानी, ये सच्चाई है और हमारे पूर्वजों ने कहा भी है। और ये सब हमारा जो सर ने बताया महाभारत और भट्टाचार्य जी का युग सर का है ना, ये अभी आज का जो है इसमें समझने की जरूरत है। सर ने बहुत ही वॉइसली बताया, तो इसमें हमने वही छोटी सी बताई थी जो आपको बता दिया मैंने। एक सर दो तीन स्लाइड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो सर ने कहा था कि जो पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं सबको लेके आ जाएंगे अलग अलग, जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर आज अवेलेबल हैं इंडस्ट्री में हमारे इसमें बहुत सारे लोगों को सब पता है, लेकिन क्या प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सारे एलिमेंट्स किसी उसमें अवेलेबल हैं? डीएपी में कितने होते हैं, यूरिया में कितने होते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन, डीएपी में नाइट्रोजन फॉस्फोरस, एंड इसी तरह से किसी में सल्फर होता है,
तो क्या किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए लगभग 16-17 एलिमेंट की जरूरत होती है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो वो सारे के सारे कौन से चीजों में उपलब्ध होता है? क्या डीएपी में होता है, क्या यूरिया में होता है, क्या कोई किसान एक पौधा डीएपी या यूरिया में ग्रो कर सकता है, कोई एक पौधा लगा सकता है? आपने कभी लगाया अपने घर में, किचन में या कोई गमले में? नॉट पॉसिबल. ओनली दी कंपोस्ट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इट इज ओनली अवेलेबल इन काउ डंग. That's why entire in universities of the world has recommended only the cow dung, not buffalo dung.